नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं यूपी विधानसभा, जहां पर मॉनसून सत्र चल रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं। लेकिन अगर हमारे माननीय विद्वान सदस्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में भी थोड़ा अध्ययन करके आए होते और जिसके बारे में बार बार ध्यान आकर्षित किया जाता है, तो संभवतः इस प्रकार के प्रश्न आप इस सदन में नहीं पूछते। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हो चुकी है और इसमें सामान्य पाठ्यक्रम के साथ साथ विभिन्न प्रकार की रोजगार परक पाठ्यक्रमों को भी पैरेलल उपलब्ध कराने के कार्यक्रम प्रारंभ हो चुके हैं और माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में भी राज्य सरकार ने उस अभियान को आगे बढ़ाया है जिसमें सामान्य पाठ्यक्रम को जारी रखते हुए पैरामेडिकल का, ड्रोन टेक्नोलॉजी का, डाटा एनालिसिस का, 3D प्रिंटिंग का, या फिर इससे संबंधित वे सर्टिफिकेट कोर्सेज जो 3 महीने 6 महीने के होंगे, उनको माध्यमिक शिक्षा में अध्ययन करने वाले बच्चों को भी इस पाठ्यक्रम के साथ जोड़ने का एक प्रयास प्रारंभ हुआ है। इसके लिए पहले से ही व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में व्यापक परिवर्तन करने के कार्य हो रहे हैं। जहाँ तक आप जैसे माननीय सदस्यों का यह कहना कि कोई भर्ती नहीं हुई है या अव्यवस्था है, मुझे लगता है आपकी पीड़ा मैं समझ सकता हूं, क्योंकि पिछले 6 वर्ष में नकल विहीन परीक्षा प्रदेश के अंदर सुचारू रूप से संपन्न हुई है और नकल माफिया पर लगाम कसी गई है। पहली बार हुआ है जब माध्यमिक शिक्षा में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा, जो पहले 2 महीने 3 महीने तक चलती थी, मात्र 15 दिन के अंदर परीक्षा संपन्न हुई और 14 दिन के अंदर परिणाम भी आए हैं। 56 लाख बच्चों के परिणाम मात्र 29 दिन में, यानी परीक्षा से लेकर परिणाम तक 29 दिन में ही आए हैं। यह भी उस रिफॉर्म का परिणाम है जो शिक्षा के क्षेत्र में आज देखने को मिल रहा है। और तीसरा, जहां तक शिक्षकों की भर्ती का है, भर्ती की प्रक्रिया में कोई भी मामले न्यायालय में लंबित नहीं है। हां, जो मामले कुछ भर्ती की प्रक्रिया के बाद कुछ लोग न्यायालय में गए हैं, उससे संबंधित मामले वहां पर लंबित होंगे, वो अलग विषय है। लेकिन 1,64,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती बेसिक और माध्यमिक शिक्षा में अकेले पिछले 5 वर्ष के अंदर इस सरकार ने किए हैं और शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया को युद्ध स्तर पर अगर कहीं वैकेंसी है, चाहे वह माध्यमिक शिक्षा में हो, बेसिक शिक्षा में हो, उच्च शिक्षा में हो, प्रावधिक शिक्षा में हो या व्यावसायिक शिक्षा में हो या फिर संस्कृत विद्यालयों में हो, इन सब की भर्ती की प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए ही हमारी सरकार प्रदेश में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को पूरी ईमानदारी, पूरी पारदर्शी तरीके से संपन्न करने के लिए ही एक नया शिक्षा आयोग गठन के लिए एक बिल लेकर के आई है। और मुझे लगता है बिल पर आपको भी अपनी बात को रखने का और उस पर चर्चा करने का अवसर प्राप्त होगा। जो भी अमूल्य सुझाव आएंगे, सरकार उसका स्वागत करेगी। प्रश्न का 11, श्री अखिलेश। माननीय अखिलेश जी, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय जी, माननीय मंत्री जी की मैं बात सुन रहा था, माननीय मंत्री जी, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत सी बातें रखी अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे, माननीय मुख्यमंत्री जी से केवल इतना जानना चाहता हूँ कि उन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे बताया जो आने वाली है, इनकी जो आ चुकी है, लागू होगी। मेरा केवल एक छोटा सा सवाल है कि 2017 से लेकर के 2022 में जो एज ग्रुप है 15 साल का, उसमें कितने बच्चों की संख्या बढ़ गई है 2017 से लेकर के 2022 तक,
15 साल के ग्रुप में बच्चों की कितनी संख्या बढ़ गई है, क्या उन बच्चों के भविष्य के बेहतर बनाने के लिए और उनको नौकरी रोजगार दिलाने के लिए आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत और खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार, डबल इंजन की सरकार, जो ये कहती है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेशो हमारा ये है, एम्प्लॉयमेंट रेशो नहीं बताते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेशो ये है, तो वो क्या इन बच्चों की संख्या बताएगी सरकार? मैं अध्यक्ष महोदय माननीय मुख्यमंत्री से जानना चाहता हूं कि 2017 से 2022 के बीच में जो एज ग्रुप 15 साल का है वो संख्या कितनी होगी, कितने बच्चे आ गए होंगे उसमें? और वो इससे संबंधित नहीं, उसकी नहीं संबंधित इसलिए है ना अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी संबंधित हो सकती है तो मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ 17 से 22 तक कितने बच्चे आ गए एज ग्रुप में, संख्या क्या होगी उसकी? मुझे बहुत अच्छा लगा कि नेता विरोधी दल को अब जनसंख्या की चिंता होने लग गई है। अध्यक्ष महोदय और सवाल ये है अगर मुख्यमंत्री ये 86 में 56 बताना चाहें और फिर बता दो 86 में 56 सी को नियंत्रित करने के लिए ही हम लोग समान कानून की बात करना चाहते हैं। क्या बात है, क्या मुख्यमंत्री? लेकिन अध्यक्ष जी, अरे आज उत्तर आ जाए फिर आप बोले। माननीय मुख्यमंत्री से केवल इतना जानना चाहता हूँ कि 17 से 22 में मुझे साल के एज तो आ रहा हूँ, इतने बच्चों की जवाब देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। इतना पेशेंस रखना चाहिए कि जब मैं खड़ा हुआ, मैं आपकी बात को सुन रहा था, जब मैं खड़ा, मैं तो वही बोलने के लिए आया हूँ कि आपको जनसंख्या की चिंता हो रही है, मुझे इसमें अच्छा लगा कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। मैं यद्यपि पहले भी सोच रहा था कि चलिए समाजवादियों में कुछ तो प्रोग्रेस हुई है और प्रोग्रेस देखिए अच्छा है, प्रगति के बारे में सोचना चाहिए। ये 5 नंबर के प्रश्न में भी माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री से प्रश्न पूछा जा रहा था, एक प्रदेश एक कोर्स एक मूल्य, यानी एक देश एक कानून, ये भी जोड़ देते तो और अच्छा होता। सरकार क्या कर रही है ये तो सर्वे बताते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अरे उत्तर आ जाए, उत्तर आ जाए, लाइव तो नहीं है अध्यक्ष जी? अध्यक्ष जी ये लाइव चल रहा है क्या? लाइव चल रहा है। अच्छा, बहुत धन्यवाद आपका। लाइव अनएम्प्लॉयमेंट रेट ये एम्प्लॉयमेंट उपलब्ध कराने पे ही निर्भर करता है और 2016-17 में उत्तर प्रदेश का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 1919 से अधिक था, 19% से अधिक था और आज के दिन पर यह अनएम्प्लॉयमेंट उत्तर प्रदेश का 3 से 4 के बीच में है। ये दिखाता है रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं, लोगों को पारदर्शी तरीके से नौकरियां मिल रही हैं, लोगों को ईमानदारी से नौकरी मिल रही है और नौकरी की कोई भी प्रक्रिया माननीय न्यायालय के द्वारा बीच में इसलिए बाधित नहीं की जाती है क्योंकि माननीय न्यायालय को भी मालूम है कि प्रक्रिया में पारदर्शिता है, प्रक्रिया में पूरी शुचिता है और पूरी ईमानदारी के साथ सरकार इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। उत्तर प्रदेश के इस परसेप्शन के कारण ही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 36 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जो 1 करोड़ नए नौकरी और रोजगार का सृजन उत्तर प्रदेश के अंदर करेगी। यह भी उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक अवसर है और उत्तर प्रदेश के युवाओं को तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए ही 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। प्रश्नों का समय समाप्त, बैठिए, प्रश्नों का समय समाप्त। तो ये आप सुन पा रहे थे, उत्तर प्रदेश में विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्ष के नेता अखिलेश के सवालों को जवाब दे रहे थे और इसी बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनाते हैं।
तो आप देख पा रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धाबी को, जो कि आंगनबाड़ी से जुड़े कार्यक्रम में संबोधन दे रहे थे। इसके बाद बात करते हैं अगली खबर की। प्रयागराज से अगली खबर थी ज्ञान व्यापी से जुड़ी खबर। मुस्लिम की एंट्री पर रोक की मांग खारिज। मुस्लिमों की एंट्री पर रोक की मांग खारिज। हिंदू पक्ष की याचिका हाईकोर्ट में खारिज। हिंदू पक्ष की याचिका हाईकोर्ट में खारिज। प्रयागराज से बड़ी खबर, मुस्लिमों की एंट्री पर रोक की मांग खारिज। मुस्लिमों की एंट्री पर रोक की मांग खारिज। हिंदू पक्ष की याचिका हाईकोर्ट में खारिज। तो हिंदू पक्ष ने याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की थी, जिसमें मुस्लिमों की एंट्री पर रोक की बात कही गई थी, जिसको हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। ज्ञान व्यापी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष को लेकर अलग अलग तरह की याचिकाएं कभी हाईकोर्ट में कभी सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाती है। ऐसे में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी कि मुस्लिमों की एंट्री पर बैन लगाया जाए, जिसको हाईकोर्ट ने खारिज किया है। मुस्लिमों की एंट्री पर रोक की मांग खारिज। ज्ञान व्यापी परिसर से जुड़ी बड़ी खबर, हिंदू पक्ष की याचिका हाईकोर्ट में खारिज। इसी बीच छठा दिन एएसआई के सर्वे का लगातार चल रहा है। तमाम तथ्यों की ज्ञान व्यापी परिसर में जांच की जा रही है और ज्ञान व्यापी से जुड़ी इसी बीच खबर ये आती है, हिंदू पक्ष ने याचिका दाखिल की थी जिसमें मुस्लिमों की एंट्री पर रोक की मांग की थी, लेकिन उसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। और इसी खबर पर वाराणसी से हमारे संवाददाता विकास चौबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी विकास, हिंदू पक्ष की ओर से जो याचिका दाखिल की गई थी उसको हाईकोर्ट ने खारिज किया है। बिल्कुल, देखिए प्रतीक चिन्हों के संरक्षित करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, उसको जो है खारिज कर दिया हाईकोर्ट ने। सीधे सीधे तौर पर ये हिंदू पक्ष के लिए बड़ा झटके के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि लगातार हिंदू पक्ष के खेमे में जीत आ रही थी। इसके बाद एक हाईकोर्ट से उनके सर्वे की मंजूरी मिल गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसी सर्वे के ऊपर उसी फैसले के धक्का लगा दिया था उसके बाद। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये जो फैसला आया है प्रतीक चिन्हों को संरक्षित करने के लिए मांग की गई थी, इसको जो है खारिज कर दिया हाईकोर्ट में। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा झटका के तौर पर देखा जा रहा है हिंदू पक्ष के लिए। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या इस मांग को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं या फिर अन्य कोई अलग कदम उठाते हैं। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से विकास यहाँ पर एएसआई सर्वे तो चल रहा है, लेकिन उसी बीच हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के बीच में जो लगातार दावपेच है, कानूनी दावपेच है, उनको लेकर भी कभी एक पक्ष याचिका दाखिल करता है तो कभी दूसरा पक्ष याचिका दाखिल करता है। क्या लगता है आपको कि एक तरफ तो एएसआई सर्वे और कानूनी प्रक्रिया चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ उसी कानून के जरिए एक दूसरे पर दबाव बनाने का भी प्रयास लगातार जारी है? बिल्कुल, देखिए दबाव मानसिक हो चाहे जो है आंशिक दबाव हो, दबाव लगातार बनाने का प्रयास किया जा रहा है दोनों पक्ष द्वारा, चाहे हिंदू पक्ष हो चाहे मुस्लिम पक्ष हो। और जिसे कहते हैं कि कभी खुशी कभी गम, तो वही वाली हालत है कि एक पक्ष जब बाद में हिंदू पक्ष को ये खुशी होती है कि भाई उनकी याचिका मंजूर कर ली गई है सर्वे कराने की, उसके बाद फिर एक खबर आती है कि हाईकोर्ट से उस याचिका को खारिज कर दिया गया जिसमें प्रतीक चिन्हों को संरक्षित करने की मांग की गई थी। तो ये कभी खुशी कभी गम का हालात है और लगातार दोनों पक्ष दावा कर रहे हैं कि जीत हमारी होगी। एक तरफ वो कह रहे हैं कि ये मंदिर है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मस्जिद है। तो अब देखने वाली बात होगी कि दावा किसका सच्चा होता है और आगे ये चीजें कहां निकल कर सामने आती है। जी, इसके अलावा विकास, आज जैसे छठा दिन है एएसआई के सर्वे का, क्या कुछ आज निकल कर सामने आ सकता है और कहां तक वो जानकारी आगे बढ़ी, एएसआई का सर्वे जो है कहां तक आगे बढ़ा है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि सर्वे इस समय चल रहा है। हालांकि अभी अभी की बात की जाए तो इस समय लंच हुआ है और कुछ ही देर बाद अब से
सर्वे शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी लंच के साथ साथ नमाज भी पड़ जाती है उसकी गंगापी मस्जिद में, जो कि अभी मस्जिद का प्रारूप है। तो अभी फिलहाल नमाज चल रही है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से सर्वे शुरू होगा। आपको बता दें कि कानपुर से दो GPR एक्सपर्ट्स आए हैं, जो कि लगातार चीजों की मैपिंग करेंगे। गुम्बद के बाद अब तहखाने के ऊपर टीम पहुंच गई है, और जो मेन तहखाना है उसको लेकर सर्वे किया जाएगा। आपको बता दें कि साथ ही साथ कुछ अन्य एक्सपर्ट्स आए हैं, जो कि कानपुर IITN है और GNSS तकनीक से वो चीजों का सर्वे करेंगे। बकायदा डिजिटल मैपिंग की जाएगी चीजों की, उसके बाद वो रिपोर्ट जो है सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट के सामने सौंपी जाएगी। लेकिन इससे पहले जो है हिंदू पक्ष जहां कई तौर पर खुशी जाहिर कर रहा था अपनी, एक तरफ से लगातार उनका बयान ये आ रहा था कि ये मंदिर जो है इसकी मांग लगातार हम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो साक्ष्य मिल रहे हैं SI सर्वे में लगातार दिन प्रतिदिन वो हमारा विश्वास बढ़ा रहे हैं। वही हिंदू पक्ष लगातार अभी कुछ बीतों दो दिनों की बात करें तो जो उनका बयान तो बयान से पलट गया है, और अब उनका जो राग है वो दूसरा हो गया है, वो बिल्कुल साइलेंट हो गए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं सीधे तौर पर उनको निर्देश दिया कि जो आप बयानबाजी कर रहे हैं मीडिया में आकर, उससे कहीं ना कहीं धार्मिक सौहार्द बिगड़ने की उम्मीद है, ऐसा कुछ आशंका है। तो आप जो है अपने बयानों पर कंट्रोल रखिए, और सर्वे जैसा चल रहा है तो सर्वे की रिपोर्ट का इंतजार कीजिए। जब SI सिल्वर लिफाफे में अपनी रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करेगी, तब तक दोनों पक्ष को हिदायत दी गई है कि आपको जो है कुछ गलत बयानबाजी नहीं करनी है, क्योंकि सर्वे लगातार आगे बढ़ रहा है, और दिन प्रतिदिन जैसे कल गुम्बद का सर्वे हुआ, आज तहखाने के ऊपर SI की टीम पहुंची, और बकायदा चीजों की मैपिंग की जा रही है, आधुनिक तकनीकों के माध्यम से बकायदा चीजों की तलाश की जा रही है और सैंपल इकट्ठे किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल विकास, जिस तरह से आपने जानकारी दी कि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, जिस धार्मिक सौहार्द की आप बात कर रहे हैं, लगातार मस्जिद में जब नमाज पढ़ने का वक्त होता है तो वहां पर सर्वे को रोक दिया जाता है। इसके अलावा सावन का महीना चल रहा है, तो काशी विश्वनाथ में दर्शनों के लिए भी भक्तों का तांता लगातार लगा हुआ है। सुरक्षा को लेकर और ASI सर्वे के मद्देनजर सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम वहां पर किए गए हैं? बिल्कुल, सुरक्षा के इंतजाम जो है चार चौबंद है, चाहे वो ATS हो यानी कि एंटी टेररिज्म स्क्वाड हो, चाहे जिला की पुलिस हो, और साथ ही साथ CRPF हो, BSF हो यानी कि अर्धसैनिक बलों की पूरी तैनाती है। चप्पे चप्पे पर CCTV कैमरा से नजर रखी जा रही है संदिग्ध गतिविधियों को लेकर। साथ ही साथ जो दूर से भक्त आए हैं, कावड़ी आए हैं, उनको ये भी कोई असुविधा आ रहा हो, उनकी सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो जिला प्रशासन बखूबी संभाल रहा है। अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की गई है आसपास के जिलों से, जौनपुर से, चंदौली से, गाजीपुर के क्षेत्र से जो है अतिरिक्त पुलिस बल आए हैं। और आपको बता दें कि 85 इंस्पेक्टर मिलकर पूरी सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा संभाल रहे हैं। IPS अधिकारी भी हैं सुरक्षा घेरा में, और एक एक चीजों के ऊपर नजर रखी जा रही है, क्योंकि एक तरफ जहां ज्ञानवापी का पूरा मामला जो है इन दिनों तूल में है, और साथ ही साथ उसके दूसरी तरफ जो है सावन का महीना चल रहा है, तो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम जो है धार्मिक सौहार्द भी बिगड़े नहीं, उसको जो है एक तरफ बचा के रखना, ये भी काफी बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है प्रशासन के लिए, और उसका जिम्मा बखूबी वो निभा रही है। बकायदा धर्म गुरुओं पर भी नजर रखी जा रही है, जो कि कहीं ना कहीं एक धर्म की आड़ में जो है दंगा नफरत फैलाने की जो है साजिश रच सकते हैं, तो उनके ऊपर नजर रखी जा रही है, और गलत बयानबाजी करने वालों के लिए जो है कठोर कार्रवाई का प्रावधान कर रही है जिला प्रशासन, तो ये भी एक बड़ा कदम है जिला प्रशासन का। और विकास, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार हमारे संवाददाता विकास प्रयागराज से अपडेट दे रहे थे क्या कुछ वहां पर, और इसी बीच प्रयागराज में लोगों का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। फाइनली जो है इस PIL को डिसमिस किया, लेकिन उसमें एक बात ऐड कर दिया कि हम जो है निचली अदालत में जा सकेंगे, और हम बहुत बात करेंगे अगली खबर की। दिल्ली सेवा विधेयक लोकसभा के बाद सोमवार को राज्यसभा में पास होने पर कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद संदीप दीक्षित ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली के बदले हालात में मुझे उम्मीद है कि CM अरविंद केजरीवाल केंद्र से सत्ता के संघर्ष में उलझने या फिर रोने धोने के बदले राजधानी वालों के लिए काम करेंगे। संघीय ढांचे के तहत दिल्ली का जो सियासी खाका तैयार किया गया है उसके अनुरूप राजनीति करेंगे। दिल्ली पर जो बिल आज राज्यसभा में आया है, अभी अभी खबर मिली है कि वो पास हुआ है, इससे पहले लोकसभा में भी पास हुआ था। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि मेरे हिसाब से जो संघीय ढांचा सोचा गया था, जिसमें दिल्ली को कभी पूरा राज्य ना देने की बात थी, जिसमें भारत सरकार और दिल्ली सरकार को मिलके कई आयामों में साथ करने की बात कही गई थी, और एक तरीके से इस बंटवारे में जो सर्विसेज हैं, जो बड़े बड़े आला अधिकारी हैं, उन पर जितना दिल्ली सरकार का वर्चस्व कंट्रोल रहना चाहिए उतना भारत सरकार का भी होने का था, और ये सिस्टम कई वर्षों से दिल्ली में बेहतर तरीके से चल रहा था। दुर्भाग्य से जब से केजरीवाल यहां आया है, उसने केवल और केवल राजनीति देखकर, जिस बदतमीजियों से, जिस गैर संवैधानिक व्यवहार से उसने दिल्ली को चलाने की कोशिश की, और भारत सरकार से बार बार
झगड़ा कर कर केवल राजनीतिक फायदा उठाने की बात की। इसी कारण से ये बिल भी आया, अन्यथा ऐसी किसी चीज की आवश्यकता नहीं थी। मुझे, मैं ये नहीं कुछ कहूंगा कि मुझे कोई संतोष है या कोई वो है कि ये बिल पास हुआ या नहीं, पर मुझे लगता है कि जिस स्थिति में लोगों ने हमेशा समझा था कि दिल्ली को एक भारत सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में एक साझी सरकार के रूप में चलाया जाएगा, इस बिल के पास होने के बाद शायद वो यथास्थिति बनती है। अब मैं आशा करूंगा कि फिर से रोने धोने और उल्टी सीधी बातें करने और बयानबाजी के अलावा कोशिश करेगा केजरीवाल को, जो 9 साल में उसने काम नहीं किया है दिल्ली में, कम से कम ये बचे हुए 1-1.5 साल में कुछ तो वो काम दिल्ली के लिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1 सप्ताह में 2 बार मुख्यमंत्री पद छोड़ने की बात कही है। राजनीतिक विश्लेषक गहलोत के बयान को सोची समझी रणनीति का हिस्सा बता रहे हैं। विश्लेषकों का तर्क है कि चुनाव से पहले गहलोत का इस तरह का बयान देना उनकी मजबूरी है। गहलोत अच्छी तरह से जानते हैं कि चुनाव के बाद यदि सरकार रिपीट होती है तो एक बार फिर पायलट कैंप को चुनौती मिलेगी। ऐसे में चुनाव से पहले गहलोत सियासी मैसेज देना चाहते हैं ताकि पब्लिक की सहानुभूति मिल सके। गहलोत कह चुके हैं कि वह जो कुछ बोलते हैं सोच समझ कर बोलते हैं, ऐसे में उनके बयान को सियासी माना जा रहा है। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस पार्टी बिना सीएम फेस के ही चुनाव में उतरेगी। संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल कह चुके हैं कि कांग्रेस ने अभी तक अपना चेहरा तय नहीं किया है। हाथ बदलना बहुत बड़ी बात है, क्या आप बार बार मुख्यमंत्री बनो। डापू देवी जी, आपकी भावना को मैं कदर करता हूँ, पर मैं कई बार सोचता हूँ इस मुख्यमंत्री पद को मैं छोड़ दूँ, पर मुख्यमंत्री पद मुझे छोड़ नहीं रहा है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों पर अपडेट के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।